अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक और ये है गैलेक्सी M11 की अनबॉक्सिंग और डायरेक्ट ओपिनियन। भाई मुझे नहीं लगता कि इस फोन की जरूरत थी इस प्राइस सेगमेंट में, लेकिन फिर भी देखते हैं कि भाई बॉक्स में क्या कंटेंट रखे गए हैं और क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है, फिर बात करते हैं अपने डायरेक्ट ओपिनियन की कि क्या अब भी सैमसंग जो है वो ये सोचता है कि बाकी ब्रांड जो है वो इस रेंज के अंदर कोई भी अच्छी प्रोडक्ट नहीं दे रहे और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो पाकिस्तानी मार्केट में 28,000 रख के सैमसंग ये सोचता है कि भाई सबसे अच्छा मिड रेंजर फ़ोन है। तो लेते हैं भाई यहाँ पर इंप्रेशन और देखते हैं कि वाकई क्या सैमसंग की सोच सही है या हमारा जो डायरेक्ट ओपिनियन है वो ठीक निकल कर आता है। इससे पहले कि अनबॉक्सिंग स्टार्ट की जाए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने ओपिनियन को भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, ये है गैलेक्सी M11 का बॉक्स। अब फाइनली M11 भी जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि M सीरीज़ के जो फ़ोन हैं वो फ्यूचर में अच्छे फ़ोन एग्रेसिव प्राइस के साथ सैमसंग लेके आए। यहाँ बॉक्स की बात की जाए तो भाई M11 को मेंशन किया गया है, डिस्प्ले की शेप जो कि पंच होल कटआउट के साथ आ रही है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक पंच होल कटआउट डिस्प्ले मिल रहा है, साथ ही आपको सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान वाला लोगो भी मिल रहा है। इससे पहले इंडिया की मार्केट में लॉन्च होते थे लेकिन अब फाइनली पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपको PTA का तस्दीकशुदा सील ऊपर की साइड पे मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी आपको डिस्ट्रीब्यूटर सील भी देखने को मिल रही है और यहाँ जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वो वायलेट कलर है, ब्लैक कलर टोन का कुछ कलर निकल कर आता है। 3GB और 32GB का एक ही वेरियंट आएगा और स्टिकर पर मेड इन चाइना मैंशन किया गया, लेकिन प्रिंटिंग करते हुए आई थिंक सो कि कुछ मिसप्लेसमेंट हो गई है। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सैमसंग को इस तरह के स्टिकर्स पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, स्टिकर थोड़ा सा अच्छा होता तो ज़्यादा बेटर था, पर बॉक्स को हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते। तो इस तरह का बॉक्स है और इसको करते हैं हम कट और रैपर कट करने के लिए भाई हम अपना चक्कू है वो खोलने की कोशिश करते हैं और खोल गया फाइनली। तो यहाँ से सील्स को कट कर लेते हैं, यहाँ सील्स को हम कट कर चुके हैं और बॉक्स को खोलते हैं। तो बॉक्स में सबसे पहले ऊपर हमें एक लिड मिल रही है जिस पर सैमसंग का लोगो है और लिड को निकालते हैं बाहर और यहाँ मुझे लगता है कि भाई कोई भी सिलिकॉन केस नहीं है। 28,000 रुपये की रेंज में जस्ट आपको ये मैनुअल बुक्स मिल रही हैं और सिलिकॉन के लिए फिलहाल आपको मार्केट में थोड़ा सा चक्कर शक्कर लगाना होगा, वेट लूज करना होगा, उसके बाद ही आपको सिलिकॉन शायद मिले ना मिले। फिर आपको देखने को मिल जाते हैं आई मी स्टिकर्स और उसके बाद मिल जाता है भाई आपको गैलेक्सी M11 एक इस तरह से आपको ऊपर रैपर चढ़ा हुआ मिल रहा है जिस पर ऑक्टा कोर प्रोसेसर मेंशन किया गया, बस ये नहीं मेंशन किया गया कि कौन सी कैटेगरी का है, और स्नैपड्रैगन 450 मिल रहा है जो कि हम 2016 या 15 में यूज़ कर रहे थे। इन्फिनिटी और डिस्प्ले है, 5000mAh की बैटरी है। बाकी फ़ोन को हम साइड पे रखते हैं और बाकी बॉक्स के कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ चार्जर को बाहर निकालते हैं और चार्जर की कुछ रेटिंग की बात करते हैं। है तो लोकलाइज पिन लेकिन यहाँ पर आपको 15W की फास्ट चार्जिंग ज़रूर देखने को मिलेगी इस फ़ोन के अंदर और अब लोग 65W 30W पर जा चुके हैं और सैमसंग फाइनली अब हमें 15W की फास्ट चार्जिंग 28,000 रुपये की रेंज में प्रोवाइड कर रहा है। और वहीं अगर बात कर ली जाए कुछ कनेक्टिविटी की, अब यहाँ हमें टाइप सी की कनेक्टिविटी मिल रही है, ये एक अच्छी बात है कि भाई अब माइक्रो USB वाला ट्रेंड जो है वो पुराना होता जा रहा है। और फिर हमें एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है जो कि इस शेप में रखा गया है। उसके बाद बात की जाए बॉक्स के कॉन्टेंट की तो यहाँ भी भाई आपको 28,000 रुपये में कोई भी हैंड फ्री देखने को नहीं मिलेगी, तो बॉक्स के जैसे आपको यही कॉन्टेंट देखने को मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं बॉक्स को रख लेता हूँ साइड पर, फ़ोन को ले आता हूँ सामने और रैपर में से निकालता हूँ और बात करते हैं कुछ अपने ओपिनियन की कि भाई यहाँ पर कैसी लुक रखी गई है गैलेक्सी M11 की। यहाँ रैपर जो है वो मैं उतार रहा हूँ, गम काफ़ी लगी हुई उस पर। तो ये है गैलेक्सी M11, वायलेट कलर है जिसको हम पर्पल कलर भी कह सकते हैं। एक ही फ्रेम में बनाया गया फ़ोन है, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी और यहाँ यू शेप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। मैट फिनिशिंग है, ग्लॉसी लुक नहीं है, थोड़ा सा एडवांटेज ये कि स्क्रैचेस ज़रा कम नजर आएंगे लेकिन प्लास्टिक स्टफ है तो स्क्रैचेस जरूर पड़ने वाले हैं। और वहीं आपको एक फ्लैशलाइट मिल रही है, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है जो कि वर्टिकल शेप में रखा गया है, 3 कैमरास का इंप्लीमेंट है। इसी रेंज के अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप भी मिल रहे हैं। इस साइड पर ऑन ऑफ की रखी गई है, वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल रही है, फोन थोड़ा सा थिक बनाया गया है, ऊपर की साइड पर नॉइस कैंसलेशन माइक और एक 3.5mm का जैक रखा गया है। इस साइड पर आपको सिम ट्रे भी देखने को मिल जाती है और मैं सिम ट्रे को भी चेक कर लेता हूँ कि भाई सिम ट्रे जो है
वो हमें कैसी मिलती है यहाँ पर। तो सिम ट्रे को निकालते हैं बाहर। सिम ट्रे की बात की जाए तो हमें डेडिकेटेड स्लॉट दो सिम्स के साथ मिल जाती है और दोनों सिम्स में आपको 4G LTE का भी सपोर्ट मिलता है। नीचे की साइड पर आपको एक प्राइमरी माइक मिल रहा है, टाइप सी की कनेक्टिविटी और स्पीकर ग्रिल मिल रही है और यहाँ कोई भी फ़ोन के ऊपर प्री अप्लाइड पेपर भी नहीं लगाया गया, तो फ़ौरन से आपको प्रोटेक्टिव केस लेना होगा बिकॉज यहाँ पर एक TFT पैनल ज़रूर रखा गया और साथ ही कुछ आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो ये चीज़ ज़रूर आपको बियर करनी होगी। अब गैलेक्सी M11 का जो है लोगो आ चुका है, एक साइड पर हमें पंच होल कटआउट देखने को मिल रहा है। फ़ोन को मैं एक्टिवेट करता हूँ और एक्टिवेट करने के बाद हमें इंटरनल्स कैसे मिलते हैं तो ये भी हम देख लेते हैं। वैसे स्नैपड्रैगन 450 से हमको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसको एक्टिवेट करके देखते हैं कि भाई अंदर क्या रखा गया है। वेल दोस्तों, गैलेक्सी M11 को मैं एक्टिवेट कर चुका हूँ। अब डायरेक्ट ओपिनियन की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ डिस्प्ले की। अब यहाँ पर आपको एक TFT पैनल मिल रहा है जहाँ आपको साइड पर एक लेफ्ट कॉर्नर पर पंच होल कटआउट देखने को मिल रहा है। बेजल्स और चिन काफ़ी प्रोमिनेंट है और इस प्राइस ब्रैकेट में हमें बहुत से ऐसे फ़ोन हैं जो कि IPS पैनल जो है वो ऑफर करते हैं। 6.4 इंचेस का स्क्रीन साइज़ है, 720p के पिक्सल्स हैं, कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं रखी गई, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल नॉर्मल किस्म की रखी गई है। मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी नहीं कह सकता, रफ एंड टफ ज़रूर है लेकिन फिर भी पॉलीकार्बोनेट का स्टफ है और स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ने वाले हैं इस फ़ोन के अंदर। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई सिर्फ एक एडवांटेज मैं देना चाहूँगा गैलेक्सी M11 को, क्या आपको इस फ़ोन के अंदर सैमसंग का वन UI मिलता है। मतलब आपको बड़े बड़े आइकन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, कुछ आपको ऑप्टिमाइजेशन जो है वो स्लाइटली बेटर ज़रूर मिलेगी क्योंकि सैमसंग का जो वन UI है ना, काफ़ी ज़्यादा हमें ऑप्टिमाइज मिलता है। इवन दो आपको इसके अंदर वन UI का जो वर्जन है वो 2.0 देखने को मिल रहा है जो कि एंड्रॉयड 10 बेस है और यही एक हाईलाइटिंग फीचर होगा इस फ़ोन का। बिकॉज परफॉर्मेंस के लिए आपको स्नैपड्रैगन 450 मिल रहा है जो कि 1.8 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, इससे अच्छा तो Helio P35 भी काम करता है भाई। तो यहाँ सैमसंग को सोचना चाहिए कि अब हार्डवेयर की गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो चुकी है और प्राइस सेगमेंट सेट करते हुए प्राइस के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से प्राइस को सेटल आउट करना चाहिए। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो सैमसंग के फ़ोन जो है नॉर्मली कैमरा के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं क्योंकि जो सैमसंग के यूज़र है वो भाई कहता है कि सैमसंग का सेंसर काफ़ी बेटर होता है। अब फ्रंट साइड पर आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है जो कि अच्छी खासी लाइट होने के बावजूद, यहाँ पर हाँ यह है कि आपको थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड सेंसर ज़रूर मिलता है, अच्छी खासी लाइट होने के बावजूद बस एक 5 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड करता है और रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप रखा गया है जहाँ मेन सेंसर आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है और यहाँ आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है जिसकी मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी, और 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है। कोई भी 4K वीडियो नहीं बना सकते आप यहाँ पर, ना रियर और ना फ्रंट से, और वहीं आप यहाँ पर 1080p 30fps पर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई भी EIS की सपोर्ट आपको इस प्राइस सेगमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी कैमरा कैटेगरी मैं कहूँगा कि इतनी बेटर होने वाली नहीं है और यहाँ कोई भी स्लो मोशन नहीं रखा गया, हाँ लाइव फोकस ज़रूर रखा गया है इस फ़ोन के अंदर। बाकी प्रो मोड मिल जाता है, पैनोरामा मोड देखने को मिल जाता है, मतलब इस रेंज के अंदर हमें 48 मेगापिक्सल के सेंसर भी देखने को मिल रहे हैं। इवन दो अब 90Hz का रिफ्रेश रेट 30-35,000 रुपये की रेंज में देखने को मिल जाता है जो कि IPS पैनल के साथ आ रहा है, और Vivo S1 में हमें AMOLED पैनल मिल रहा है जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है, और वहीं Redmi 9 हमें 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है। हाँ वहाँ ड्यू ड्रॉप नॉच है लेकिन वो हमें 3GB 32GB कुछ 20 से 21,000 रुपये की रेंज में देखने को मिल रहा है, वहाँ भी 5000mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट जरूर है बट साथ नहीं मिलती। तो ब्रांड वैल्यू को मैं कहूँगा कि ज़रूर है बट ब्रांड को भी चाहिए कि ना भाई कुछ प्राइस सोच समझ के रखे। अब मेरे ख्याल में अगर इस फ़ोन की जो कुछ प्राइस लगभग 20 से 22,000 होती तब भी प्रेफरेबल थी, बट 28,000 रुपया रिटेल प्राइस है ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के साथ, कुछ 25,500-26,000 है, जिसमें हाईलाइटिंग फीचर ये है कि आपको इस फ़ोन के अंदर सैमसंग का वन UI 2.0 वर्जन मिल रहा है, और दूसरा हाईलाइटिंग फीचर ये है कि भाई 5000mAh की 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है जिसका बैटरी बैकअप तो बहुत बेटर होगा लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से, डे टू डे यूजेज के हिसाब से अगर आप हैवी यूज़र हैं तब आपको थोड़ा सा इशू फील होने वाला है। पबजी खेलते हैं तो भाई बिल्कुल भी प्रेफरेबल डिवाइस नहीं है। आप पबजी के अलावा व्हाट्सएप या फेसबुक यूज़ करना हो तो वो ठीक है लेकिन कैमरा में भी थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। 15W की फास्ट चार्जिंग, एडाप्टिव फास्ट चार्जिंग आपको ज़रूर देखने को मिल रही है सैमसंग गैलेक्सी M11 में। तो भाई सीधा सा डायरेक्ट ओपिनियन ये कि फ़ोन को लेते ही मुझे सिलिकॉन केस भी लेना पड़ेगा जो कि मार्केट में फ़ौरन नहीं मिलेगा। फ़ोन थोड़ा सा हैवी वेट भी है 5000mAh की बैटरी की वजह से और यहाँ थिक भी रखा गया है,
98 ग्राम के राउंड अबाउट वेट भी निकल कर आता है। तो सैमसंग को भी अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा बाकी कंपटीटर्स को कि भाई इस प्राइस सेगमेंट में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा। और मुझे ये उम्मीद थी कि सैमसंग जो है वो सेमलिंग से पहले पहले एम सीरीज़ के साथ काफ़ी एग्रेसिवली एंट्री करेगा। खैर, ये पहला पैंतरा है सैमसंग का, शायद इसके बाद कुछ जो है वो प्राइसेस को एग्रेसिव किया जाए अगले एम सीरीज़ के फ़ोन के साथ। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई इस प्राइस सेगमेंट में हमें थोड़े से अच्छे फ़ोन ज़रूर देखने को मिलते हैं, इवन दो 6 GB वाले फ़ोन देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल सैमसंग के लिए सजेशन है और आप लोगों के लिए भी सजेशन है, और वो लोग ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं जिनको भाई सिर्फ ब्रांड चाहिए और सैमसंग चाहिए, वो 25-26 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जिनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, जिनको कैमरा अच्छा चाहिए, तो भाई बहुत सी चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये डायरेक्ट ओपिनियन जो है ना, सीधा सीधा तीर जो है ना, वो समझ आ गया होगा। खैर, आज की वीडियो में इतना ही है। लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई हमारे जो डायरेक्ट ओपिनियन है वो आपको पसंद आते भी है कि नहीं आते। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं अली अब्बास मासेक से, पाकिस्तान फैजाबाद, अल्लाह हाफिज़।